अपने ही गढ़ में, अपने ही शहर में और अपनी ही पार्टी में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है शिवसेना। कुछ ऐसे हैं हालात, मानो चेहरा आईना देखकर अक्स से अपने होने का दावा कर रहा हो लेकिन आईना मानने से इनकार कर रहा हो। महाराष्ट्र में दूसरी सरकार में भी शिवसेना सत्ता में है, पहली बार में भी शिवसेना सत्ता में थी, बस फर्क ये है कि पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो अब एकनाथ शिंदे हैं। बस जंग की वजह यही है और सत्ता का संघर्ष अब पार्टी के प्रभुत्व से गुजरते हुए दशहरा मैदान तक पहुंच गया है, जो कि शिवसेना की पहचान है। इसी पहचान और प्रतीक पर अब एकनाथ शिंदे ने दावा किया है। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो असली शिवसेना है तो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो असली शिवसेना है। इन्हीं दावों के बीच अब दोनों के बीच दशहरा रैली को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। एकनाथ शिंदे 5 अक्टूबर को दशहरा के दिन उसी दशहरा रैली से महाराष्ट्र को संबोधित करना चाहते हैं, जहां से पहले कभी बाला साहब ठाकरे ने आगाज किया था और फिर बाद में उनके न रहने पर उनके बेटे और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली को संबोधित किया। लेकिन तब और अब में फर्क का फेर है, कहानी बदल चुकी है, सत्ता भी बदल चुकी है, इसलिए व्यवस्था बदलने की कवायद जारी है। शिंदे गुट के माहिम से विधायक सदा सरवणकर ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली के लिए 1 सितंबर को बीएमसी को आवेदन किया, लेकिन इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई ने 22 अगस्त को ही दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क का आवेदन कर दिया था। नतीजतन दशहरा रैली का दम दिखाने के लिए अब उद्धव और शिंदे गुट खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। शिंदे गुट के विधायक सरवणकर का कहना है कि उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी शिवसेना की तरफ से बीएमसी को शिवाजी पार्क मैदान के लिए आवेदन किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए और शिवसेना की दशहरा रैली शिवाजी पार्क पर ही होगी। अब आपको बीएमसी का वर्जन बताते हैं। बीएमसी का कहना है कि शिवाजी पार्क पर दशहरा रैली को लेकर फैसला 10 सितंबर के बाद लिया जाएगा और जो भी निर्णय होगा वो नियम के तहत ही होगा। अब आपको बताते हैं कि मुंबई के शिवाजी पार्क से जुड़ी दशहरा रैली के इतिहास की बात। साल 1966 में शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने पहली बार शिवाजी पार्क से रैली की थी। तब से हर साल इसी जगह पर दशहरा पर शिवसेना रैली करती आई है। शिवाजी पार्क से ही शिवसेना की आगे की रणनीति तय होती रही है। दशहरा की रैली और शिवसेना का रिश्ता दरअसल शिव सैनिकों की निष्ठा को परखने वाला, उन्हें मजबूती देने वाला और आपस में जोड़ने वाला सालाना कार्यक्रम है। शिवसेनेचं काय होणार, शिवसेना राहणार की जाणार, महापालिकेचं। बाला साहब के निधन के बाद से उद्धव ठाकरे ही दशहरा रैली को संबोधित करते आ रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी और परिवार की इस परंपरा पर क्या फैसला आता है वो देखने लायक होगा।